तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं अफगानी अंडा कोरमा की रेसिपी। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बहुत ही झटपट बन जाती है, खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। एक बार आप ट्राई जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। आप इसको चपाती रोटी के साथ, नान के साथ, कुलचे के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही मजे की लगती है, खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। आप देख सकते हैं देखने में जितनी अच्छी लग रही है, खाने में उतनी ही टेस्टी होती है। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। अफगानी एक कोरमा बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक पैन चढ़ा दिया है। इसमें हमने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज की प्याज ली है, जिसको हमने रफली काट लिया है। इस तरह से हमें इसको डाल देना है। डाल के इसको चलाते हुए हम अच्छे से हल्का सा सौते कर लेंगे। बस इसको सॉफ्ट होने तक हम इसको सौते कर लेंगे, तो पानी वगैरह जो है वो ड्राई जाए। बहुत ज़्यादा हमें इसका कलर वगैरह नहीं बदलना है। इसी के साथ ही इसमें हम यहाँ पे 3 से 4 हमने हरी मिर्चें ली हैं। इसको हमने इस तरह से बीच में से तोड़ लिया, इसको हमें डाल देना है। इसको भी प्याज के साथ हम सौते कर लेंगे। और इसी के साथ ही यहाँ पे हमने 6 से 7 लहसुन लिए हैं और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, जिसको हमने इस तरह से रफली काट लिया है। इसको भी हमें डाल देना है। डाल के सभी चीज़ों को चलाते हुए अच्छे से हम सॉफ्ट होने तक के पका लेंगे। सब चीज़ें हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ, इसका पानी वगैरह जो है ड्राई हो जाए। इधर हमने प्याज को चलाते हुए पका लिया है। बहुत अच्छे से हमारी प्याज वगैरह जो है वो सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसी के साथ ही यहाँ पे हमने 8 से 9 साबुत काजू लिए थे, इसको हमें डाल देना है। अगर आपके पास टूटे हुए हैं तो आप इसमें 15 से 20 ले सकती हैं। इस तरह से डाल देना है। इसको भी हम चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे, हल्का हल्का सा इसका कलर बदलने तक की। इसको हम इसी तरह से चलाते हुए हमें फ्राई कर लेना है। इधर हमने सभी चीज़ों को चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लिया। देख सकते हैं हमारे काजू का भी कलर बदलने लगा है और हमारी प्याज का भी हल्का हल्का सा कलर बदलने लगा है। अब इस स्टेज पे यहाँ पे हमने 1 बंच हरा धनिया लिया था, हमें इसको डाल देना है। डाल के अब हमने फ्लेम को एकदम बंद कर देना है। बस इसको अच्छे से हल्का से इस तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद फ्लेम को हम एकदम बंद कर देंगे। हमें हरा धनिया डाल के बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना है। अब इसको हम साइड रख देंगे। इसको हमें साइड रख देना है, ठंडा कर लेंगे। ठंडा हो जाएगा तो इसको ग्राइंडर जार में डाल के इसका हमें एकदम फाइन पेस्ट तैयार कर लेना है। जब तक हमारी प्याज वगैरह ठंडी हो रही है, तब तक हम आगे तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 7 अंडे लिए हैं, जिसको हमने अच्छे से बॉयल कर लिया है। अंडे को बॉयल करके हमने छील लिया था। छीलने के बाद हम इसको फॉर्क की मदद से इस तरह से हमें इसको इस तरह से कर लेना है। सभी अंडों को आप इस तरह से अच्छे से गोद लेंगे तो इसमें जो मसाला वगैरह है वो अंदर तक चला जाएगा। तो बहुत ही अच्छे के हमारे एक जो है कोरमा बन के तैयार होगा। इस तरह से सभी अंडों में आप इस तरह से जरूर कर लीजिएगा और हर तरफ से घुमाते हुए आप फॉर्क की मदद से कर लीजिएगा और अंडे को बहुत अच्छे से आप बॉयल कर लीजिएगा। बॉयल करने के बाद ठंडा करके ही इसको छीलिएगा और इस तरह से आप देख सकते हैं घुमा घुमा के अंडे में अच्छे से तरह से कर लीजिए। इधर हमारा मसाला ठंडा हो गया था, हमने इसको एक ग्राइंडर जार में डाल दिया है। इसी के साथ ही इसमें हम 2 टेबल स्पून के आसपास पानी डालेंगे। बस बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका एकदम फाइन पेस्ट तैयार कर लेना है। इधर हमारे मसालों का पेस्ट तैयार है। आप देख सकते हैं हमने इसका एकदम फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। इसको हम साइड रख देंगे, चलिए आगे तैयारी करते हैं। इधर हमने फिर से एक पैन चढ़ा दिया है और इसमें 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया। तेल हमारे अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो फिर इसमें हम ये अंडे जो हमने अपने बॉयल करके रखे थे उसको हमें डाल देना है। डाल के इसको हमें अच्छे से इस तरह से मिलाते हुए अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है हर तरफ से। इधर हमने अंडों को इस तरह से फ्राई कर लिया। आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा हमारे अंडे का कलर बदलने लगा है। अभी इस चीज़ पर हम यहाँ पर थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे। 1/4 टीस्पून के आसपास हमें इस तरह से अंडों के ऊपर नमक डाल देना है। बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे, इस तरह से हल्का सा नमक डाल देंगे। 1/4 टीस्पून इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। इस तरह से इसका फ्लेवर जो है अंडों में अंदर तक ही चला जाएगा और बहुत ही मजे की लगेगा। 1/4 टीस्पून इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे। इस तरह से डाल देना है। डाल के हम सभी अंडे को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम टू लो कर दिया। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अच्छा सा कलर आने तक हमें अंडों को फ्राई कर लेना है। इधर हमने अंडों को चलाते हुए बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमारे अंडे फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही अच्छा इसमें कलर आ चुका है। अब इसको हम साइड रख देते हैं। इधर हमने एक बर्तन चढ़ा दिया है, यहाँ पे हमने 1 कप ऑयल डाल दिया। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ हम खड़े गरम मसाला डालेंगे, जिसमें हमने 1 टुकड़ा दालचीनी का लिया है, 1 छोटी इलायची और 1 लौंग लिया है। इसको हमें तेल में अच्छे से पका लेना है, इसका फ्लेवर जो है तेल में अच्छे से आ जाए। देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारे तेल में इसका फ्लेवर आ गया है। अब जो हमने प्याज और काजू वगैरह का पेस्ट बना के रखा था, हमें उसको इस स्टेज पर डाल देना है। चलिए हमने सभी मसालों को डाल दिया है जो हमने प्याज का पेस्ट बनाया था। अब इसको हमें चलाते हुए अच्छे से मसालों को भून लेना है। 1 मिनट तक फ्लेम को हाई कर लीजिए और हाई फ्लेम पे 1 मिनट तक हम मसालों को बहुत अच्छे से भून लेंगे। मसाले हमारे पहले से ही पके हुए हैं, इसलिए बहुत इधर हमने 1 मिनट तक हाई फ्लेम पे मसालों को बहुत अच्छे से भून लिया। आप देख सकते हैं हमारे मसाले वगैरह बहुत अच्छे से भून चुके हैं, इसमें तेल वगैरह एकदम छोड़ दिया है। अब इसी स्टेज पर इसमें हम नमक डाल देंगे। नमक 1 टीस्पून डालेंगे। हम अंडों में नमक डाल चुके हैं, इसलिए उस हिसाब से हमें डालना है। या फिर हम ग्रेवी के हिसाब से ही इसमें नमक डालेंगे। इसी के साथ ही इसमें हम कुछ ड्राई गरम मसाला डालेंगे, जिसमें 1 टीस्पून इसमें हम धनिया पाउडर डाल देंगे।
इसी के साथ ही इसमें हम 1 टीस्पून जो है भुना हुआ कुटा जीरा पाउडर डाल देंगे, इस तरह से हमें डाल देना है। और 1/2 टीस्पून ही इसमें हम काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। डाल के हम मसालों को चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। इसी के साथ ही इसमें हम 2 से 3 टेबल स्पून पानी डाल देंगे, जो हमारे ग्राइंडर जार में मसाला वगैरह लगा हुआ था उसमें हमें पानी डाल के इस तरह से इसमें डाल देना है। डाल के आप फ्लेम को जो है आप हाई कर लीजिए, हाई फ्लेम पर सभी मसालों को चलाते हुए बहुत अच्छे से भून लीजिए। इधर हमने मसालों को चलाते हुए बहुत अच्छे से भून लिया, देख सकते हैं हमारे मसाले वगैरह बहुत अच्छे से भून चुके हैं। अभी यहाँ पे हम 3 से 4 टेबल स्पून इसमें हम दही डाल देंगे। यहाँ पे हमें फ्रेश दही लेनी है, ना ही बहुत ज़्यादा खट्टी लेनी है और ना ही बहुत ज़्यादा मीठी लेनी है। इस तरह से हम यहाँ पे 3 से 4 टेबल स्पून डालेंगे, बस बहुत ज़्यादा हमें दही नहीं डालना है। इस तरह से हम डाल देंगे। डाल के अब दही को भी हम मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे। जब दही आप डालिएगा तो फ्लेम को मीडियम टू लो कर दीजिएगा, बहुत हाई फ्लेम पर आप दही नहीं डालिएगा। इधर हमने दही को भी चलाते हुए अच्छे से भून लिया, हमारा मसाला वगैरह बहुत अच्छे से भून गया, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब यहाँ पे हम फ्रेश क्रीम डाल देंगे या फिर हम दूध के ऊपर की मलाई डाल देंगे। और स्पून से अगर आप लेंगे तो यहाँ पे 4 से 5 बड़े चम्मच हमें डाल देना है, और नहीं तो इसे आप 1 कप इसमें डाल दीजिए। इसी के साथ ही 1 टीस्पून इसमें हम कसूरी मेथी डाल देंगे, इसको हल्का सा रोस्ट करने के बाद हाथों से क्रश करते हुए डाल दीजिएगा। और 1 टीस्पून इसमें हम गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। डाल के सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना। मलाई फ्लेम को हमने एकदम बिल्कुल लो रखा हुआ है और मलाई डाल के हम इसको बहुत ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे, बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक बॉयल आने देंगे। फिर हमने इसमें मलाई डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया। आप देख सकते हैं एक इसमें बॉयल आना शुरू हो गया। मलाई डाल के हमें इसमें बहुत ज़्यादा पकाने के था। इसी के साथ इसमें हम थोड़ी सी ग्रेवी लगा लेंगे। ग्रेवी लगाने के लिए यहाँ पे हमने 1 कप दूध लिया है, हमें उसको डाल देना है। अगर आप दूध नहीं डालना चाहते हो तो आप इसी जगह पर पानी भी डाल सकते हैं। इसकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा थिक नहीं रहती, इस तरह से गाढ़ी रहती है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर 1 कप दूध डाला है। डाल के इसको हम एक बॉयल आने देंगे। इधर हमारी ग्रेवी में एक बॉयल भी आने लगा है, जो हमने अपने अंडों को फ्राई करके रखा था वो हमें इस स्टेज पे इसमें डाल देना है। डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए आप। थोड़ी देर हमारे जो है मसाले में अंडे भी पकेंगे तो फिर ये बहुत ही मज़े के बनके तैयार होंगे और इसका फ्लेवर जो है अंदर तक के चला जाएगा। इस तरह से अच्छे से देखिए इसको मिक्स कर लीजिए। फ्लेम को हमने मीडियम टू लो कर दिया, एक बॉयल आने लगा था। अब इसको हम कवर कर देंगे। कवर करके इसको हम 3 से 4 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसी तरह से इसको पका लेंगे। सर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं हमारे अंडे को पकते हुए, आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े का ये बनके तैयार हो चुका है। इसी चीज़ पर फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको हम इसी तरह से गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। इधर हमारा अफगानी अंडा कोरमा एकदम तैयार है। आप इसको गर्मा गर्म चपाती रोटी के साथ, रुमाली रोटी के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही मज़े का लगता है, खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। एक बार आप ट्राई जरूर कीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी।